वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। यहाँ पे हम WAG 9 लोकोमोटिव के डिफरेंट टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक की अलग से एक वीडियो अपलोड की गई है। इसी तरह से व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग, WAG 9 में जो अर्थ फॉल्ट रहता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक के बारे में भी वीडियो बनाई गई है, ट्रैक्शन कन्वर्टर, हार्मोनिक फिल्टर के बारे में, बर करंट, बैटरी वोल्टेज, ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके, अर्थ फॉल्ट, ऑक्सिलरी सर्किट, TM स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर, पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट डिस्कस किया गया है, कैटनरी वोल्टेज के बारे में बताया गया है, और जो लोको में कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाई गई है, प्राइमरी करंट इसके बारे में वीडियो बनाई गई है। तो हर एक टॉपिक को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें कि उस टॉपिक के रिलेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसको कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बोलते हैं, डिफरेंट जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं उसके बारे में फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है लोकोमोटिव में उन इक्विपमेंट की। इसी तरह से इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग होती है उसको भी वीडियो में कवर किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, लोको के अंदर व्हीकल कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। इसको VCU भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर सेल भी बोलते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 2 VCU लगे होते हैं लोको में, एक SB1 पैनल के नीचे जिसको VCU1 बोलते हैं, और एक SB2 पैनल के नीचे जिसको SB2 बोलते हैं। तो इस तरह से इसका नाम ही है व्हीकल कंट्रोल यूनिट। तो ये लोको को कंट्रोल कराने के लिए इसमें अलग अलग कार्ड्स लगे हुए हैं, और इसका हर एक इक्विपमेंट के साथ, जो भी लोको में बाकी इक्विपमेंट है उनके साथ इनका कम्युनिकेशन है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी, VCU का क्या काम रहता है, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रेन परफॉर्मेंस। ट्रेन परफॉर्मेंस मतलब ये लोको में जो भी प्रोसेस वेरिएबल्स जो हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोको रन हो रहा है, या उसमें कुछ प्रेशर है, या कुछ टेम्परेचर है, कुछ स्पीड है, या करंट है, उसको वोल्टेज है, उसको कुछ मेजरिंग वगैरह हो रही है, तो वो इसके थ्रू हो रही है। इंटरफेस विद ट्रेन वाया इनपुट आउटपुट चैनल्स। VCU में इनपुट आउटपुट चैनल्स रहते हैं, जिसमें क्या इनपुट वेरिएबल्स जो VCU में प्रोसेस होने के लिए आते हैं वो आते हैं, और VCU से प्रोसेस वेरिएबल्स जो किसी किसी कॉन्टैक्टर को जो पिक करवाना है, या कुछ और कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, या कुछ और ऑपरेट करवाना है, वो आउटपुट के थ्रू इसमें इस VCU से जाते हैं प्रोसेस होके। तो इसमें जितने भी कंट्रोल कार्ड्स लगे हुए हैं वो सिग्नल्स को कंट्रोल ये प्रोसेस करवा के आउटपुट देते हैं। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन दी लोकोमोटिव। अलग अलग जो भी इक्विपमेंट लगे हुए, जैसे SR हो गया, न्यूमेटिक पैनल हो गया, या बर हो गया, या कैब डिस्प्ले, कैब होगी, ड्राइवर कैब होगी, या ऑक्सिलरी मोटर्स हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो भी ये कंट्रोल करवाता है। कंट्रोल ऑफ होल व्हीकल कंट्रोलर्स। व्हीकल कंट्रोलर्स मतलब कंट्रोलर, ये व्हीकल अपने लोकोमोटिव में जितने भी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं उनको भी ये कंट्रोल करवाता है। VCU इंटरफेस टू ऑक्सिलरी कन्वर्टर, BR1, BR2, BR3। इंटरफेस मतलब कि ये VCU कम्युनिकेशन करता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर के साथ। ऑक्सिलरी कन्वर्टर में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो इस ये कंट्रोल करवाता है, या उसके जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वो उस उन रिजल्ट्स के बेस पे VCU आगे अपनी कमांड्स देता है। इसी तरह से इंटरफेस होता है इसका SR के साथ, दोनों SR के साथ, ड्राइवर कैब के साथ, डायग्नोस्टिक टूल, डायग्नोस्टिक डिस्प्ले है जो उसके साथ, न्यूमेटिक ब्लॉक के साथ इंटरफेस है इसका,
ट्रेन बस फॉर मल्टीपल ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन के लिए भी इसका यूज़ है। इसमें एक कार्ड लगा रहता है जो कंट्रोल ऑफ लोकोमोटिव ऑक्सिलरी सिस्टम, ऑक्सिलरी सिस्टम के रिलेटेड जितने भी मोटर्स हैं या दूसरे कोई सिस्टम है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, वो भी ये VCU कंट्रोल करवाता है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो कनेक्शन दिखा रहा है VCU के आपस में और दूसरे इक्विपमेंट के साथ। जैसे ये देख रहे हैं कि VCU 1 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। इन ये जो लाइंस हैं ये है कम्युनिकेशन मीडियम, जो कि MVB बोलते हैं जिसको, मल्टीपल व्हीकल बस, OFC भी बोल देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह से VCU 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये नॉन रिडंडेंट है, इसका मतलब कि अगर ये जो केबल है ये डिस्टर्ब या डिफेक्टिव हो गई तो वो वाला सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगा, उसके साथ VCU की कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाएगी, उसी तरह से सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा। और ये जो रिडंडेंट MBB है, ये दो हैं VCU 1 और VCU 2 के आपस में कम्युनिकेशन के लिए, ये रिडंडेंट है, मतलब एक इसमें अगर डिफेक्टिव होगी दूसरी जो है वो उसका काम करती रहेगी। ये जो है ये रेड वाली बस है, ये मल्टीपल व्हीकल बस है जिसको ट्रेन बस भी बोलते हैं। अगर मल्टीपल लोको चलाने हैं तो इस बस पे कम्युनिकेशन होगा दोनों लोकों के बीच में। नेक्स्ट, ये VCU रैक के अंदर कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, तो VCU रैक में A से लेके Z तक स्लॉट में कार्ड्स रहते हैं, अलग अलग काम रहता है इनका, अलग अलग नाम है। जैसे ये ए बी और सी डी स्लॉट है, इसको ये पावर सप्लाई कार्ड है। ये ई स्लॉट जो है एनालॉग रूटिंग कार्ड है। ये पावर सप्लाई कार्ड बाकी कार्ड्स को पावर सप्लाई देती है, ये 110 वोल्ट लेता है लोको से, और इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाईज में ये कन्वर्ट करके बाकी कार्स को देता है थ्रू दिस सप्लाई बस। ये जो हरी वाली बस है ये बैक प्लेन से हर एक कार के साथ अटैच है। लोकल कैन बस, लोकल जो इन कार्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है वो इस बस के थ्रू है। ये ब्लैक जो दिखा रहे हैं ये बैक प्लेन के थ्रू ही ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। MVB बस जो है वो है कि इसका जो बाकी लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होनी है वो इस बस के थ्रू होती है। जैसे ये जो मेन प्रोसेसर है इसमें, एक तो ये है जी स्लॉट में और एक जो एस स्लॉट में है, और ये MBB एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीनों का रोल है। और ये फिर MBB कपलर के साथ कम्युनिकेशन करके MBB कपलर के थ्रू बाकी इक्विपमेंट के साथ ये कम्युनिकेशन करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कार्ड्स हैं उसको अभी हम स्टडी करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि ये VCU रैक जो है वो कैसे दिखता है। ये CGL TCN बेस्ड VCU है, ये VCU 2 है, ये VCU 1 है। तो इसमें देखिए ये A से लेके Z स्लॉट तक इसमें अलग अलग स्लॉट में कार्ड्स हैं। ये AB हो गया, ये CD हो गया, ये बाकी के कार्ड्स हैं, ये देखिए ये Z तक। और ये जो है ये MBB कपलर है जिसको फाइबर ऑप्टिक कार्ड भी बोलते हैं, यही वो OFC केबल हैं जो मैंने बताई अभी, रिडंडेंट नॉन रिडंडेंट। तो ये 5 चैनल्स होते हैं इसमें, ये आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये VCU रैक के एक एक कार्ड को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्लॉट AB और CD में दोनों आइडेंटिकल कार्ड्स लगे रहते हैं, इनको पावर सप्लाई कार्ड बोलते हैं। तो इसमें 100 वोल्ट DC सप्लाई को ये कन्वर्ट करके माइनस नेगेटिव पॉजिटिव 5 वोल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव 15 वोल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव 24 वोल्ट बनाता है, जो बाकी कार्ड इसको यूज़ करते हैं।
इस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट ई स्लॉट कार्ड है। ई स्लॉट एक एनालॉग रूटिंग कार्ड है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि ये एनालॉग सिग्नल जो लोको में से आएंगे, जो लोको और लोको में जाएंगे, वो इस कार्ड के थ्रू रूट बना हुआ है इनका। तो ये जो कार्ड है ये बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को इंटरफेस करता है लोको के वीसीयू के साथ। तो इस कार्ड में कौन कौन से सिग्नल रहते हैं, एक तो एनालॉग ट्रांसमीटर के सिग्नल रहते हैं जो कि इस कार्ड में इस रूट से जाते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। 412.ea पिंस ये और ये। तो एनालॉग ट्रांसमीटर क्या है कि जो हमारा कैब में थ्रॉटल लगा हुआ है, जहाँ जिसको हम एंगल ट्रांसमीटर बोलते हैं, उसके सिग्नल्स भी एनालॉग फॉर्म में, जैसे जितना ही वो हम थ्रॉटल को TE या BE में लेके जाएंगे तो उसके रिस्पेक्टिव एक एनालॉग सिग्नल बनते हैं, वो सिग्नल इस VCU में इस कार्ड के थ्रू, इस स्लॉट कार्ड के थ्रू आते हैं और आगे प्रोसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे ये TEBE मीटर, बोगी वन बोगी टू, जो कैब वन और कैब टू में बोगी मीटर लगे हुए हैं उनकी डिफ्लेक्शन के लिए भी ये ई स्लॉट कार्ड से ही सिग्नल आउट होता है इस रूट के थ्रू। 411.EG पिन 16 और 412। तो यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि 411 और 412 क्या है। 411 एक नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है सेल वन को या VCU वन को, और 412 सेल टू को बोलते हैं, एक नंबर दिया गया है। इस तरह से लोको में हर एक इक्विपमेंट का एक नंबर है, जैसे ट्रैक्शन कन्वर्टर ये SR को 415 और ऑक्सिली कन्वर्टर को 1050 दिया गया है। तीसरा, इसमें सिग्नल ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक का जो ब्रेक पाइप प्रेशर है वो इसमें एनालॉग सिग्नल एज इनपुट आता है इस रूट के थ्रू, 412EC पिन 9516। तो यहाँ पे ये जो 411EA का मतलब अभी समझाऊंगा मैं। 411 जो है ये तो नंबर है सेल वन का, इसका मतलब कि ये जो VCU वन की बात हो रही है, ई मतलब ई स्लॉट जो कार्ड है, ए जो है इसको हम सब डी कनेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली सब डी कनेक्टर का नाम ई ए है कि ई स्लॉट में जो पहला सब डी कनेक्टर है उसका नाम ई ए है। यहाँ पे जैसे सब डी कनेक्टर क्या होता है, जैसे ये ई स्लॉट कार्ड है मेरा जिसकी अभी बात कर रहे हैं, तो ये इसमें ये सब डी कनेक्टर लगे रहते हैं, ये मेल फीमेल टाइप सब डी कनेक्टर है। कार्ड के अंदर मेल रहता है और ये जो लोको साइड से आ रहा है वो फीमेल कनेक्टर रहता है। तो लोको में तीन टाइप के सब डी कनेक्टर यूज होते हैं, 9 पिन, 15 पिन और 25 पिन। तो यहाँ देखिए आप टोटल, ये एक सब डी कनेक्टर यहाँ पे 9 पिन का, ये भी 9 पिन का है, और ये जो यहाँ पे भी खाली है यहाँ पे भी सब डी कनेक्टर आ सकता है, कई कार्ड्स में यहाँ पे भी है सब डी कनेक्टर जी और सब डी कनेक्टर आई। तो ये 9 पिन जो DB कनेक्टर है या सब डी है, इस तरह से है वो इसका पिन डायग्राम, ये मेल और ये फीमेल। तो इसमें क्या है, ये जो मेल पिन है ये फीमेल कि एक नंबर पिन पे लग जाएगी जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये एक्चुअल व्यू इस तरह से होता है इसका, ये 9 पिन है, ये देखिए इसकी पिन नंबर 1 से लेके 5 तक, फिर 6 से लेके 9 तक यहाँ, इसी तरह से ये फीमेल 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 9 तक। तो अगर देखिए, अगर मैं इस कंडीशन में इसको लगाऊंगा, ये जो मेल इस पे उसी कंडीशन में कनेक्ट होगा जब ये इसकी पिन नंबर 9 9 के साथ मैच करेगी, पिन नंबर 6 6 के साथ मैच करेगी। ये जिस पोजीशन में अभी अभी हैं तो ये आपस में ही नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये देखिए इधर 4 पिन्स हैं, इधर 5 पिन्स हैं। तो इसको हम इस तरीके से घुमा के
इस पे लेके आएंगे तभी ये कनेक्ट होएगा। तो बेसिकली इसको डीबी कनेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए जो मेल है जो इसको लगाने के लिए ये डी पोजीशन में रहेगा अगर, तो ये बी पोजीशन में रहेगा फीमेल वाला, तभी ये आपस में लगेंगे। अब देखिए पहली वाली कंडीशन में क्या था, ये पिन नंबर 9 थी और इसके सामने पिन नंबर 1 थी, तो ये मतलब ये 4 थी और ये 5 थी, तो इसमें अगर इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे तो ये पिन जो है वो बेंड हो जाएंगी और ये वाला भी डैमेज हो जाएगा। इसका सही तरीका क्या है कि इसको इस तरीके से रखिए कि ये 4 नंबर जो 4 पिन्स हैं ये इधर 4 पिन्स के सामने आ जाए। ये देखिए अब 9 नंबर पिन यहाँ पे और 9 नंबर की फीमेल पिन यहाँ पे, तो इस तरह से ये इसको हम लगाएंगे तो ये सही लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है जब कोई बिना देखे इसको ऐसे लगा देता है तो क्या होता है पिन बेंड हो जाती हैं या फिर सही पोजीशन पे नहीं लगती, तो क्या होता है कि हमें काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स लोगों में आने लगती हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 15 पिन डीबी कनेक्टर इस तरह से दिखता है, 1 नंबर पिन, 15 नंबर पिन, इस तरह से ये फीमेल हो गया ये मेल हो गया, सेम इसको भी उसी तरीके से ध्यान से लगाना रहता है। ये 25 पिन डीबी कनेक्टर इस तरह से सेम, ये भी, तो अभी जो हमने मैंने दिखाया आपको ये 9 पिन है, ये VCU में ये 9 पिन नहीं यूज़ होता है, VCU में 15 पिन और 25 पिन कनेक्टर ही यूज़ होते हैं। 9 पिन कनेक्टर जो हैं ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर जो सिग्नल जा रहे हैं जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया TM का या ट्रेफो का या फिर स्पीड सेंसर हो गया या प्रेशर सेंसर हो गया या फिर करंट सेंसर हो गया, उसके जो सिग्नल जाते हैं SR के अंदर उसमें 9 पिन यूज़ होता है। तो इसमें 15 और 25 पिन ही यूज़ होगा हमारे VCU में। जैसे मैं यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ये है ये VCU है, तो ये इसमें ये जो 15 पिन है ये भी 15 पिन और ये यहाँ पे जी जो जी स्लॉट है जी कनेक्टर है वो 25 पिन का रहेगा, ये IO कार्ड में जो डिजिटल IO कार्ड आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो यहाँ पे आया था ये इसका क्या मीनिंग है, 412.EA पिन्स 359, तो ये मैंने ई स्लॉट कार्ड की एग्जांपल लेके ही एंगल ट्रांसमीटर के सिग्नल को हम ये ई स्लॉट में किस तरह से रीड हो रहा है उसको देखेंगे। तो ये एंगल ट्रांसमीटर ये एक डायग्राम से लिया है मैंने, यहाँ से ये एंगल ट्रांसमीटर का जैसे ही मूवमेंट होगा एंगल चेंज होगा तो यहाँ पे इसका आउटपुट सिग्नल जो आउटपुट करंट या सिग्नल है वो चेंज होगा, तो वो सिग्नल थ्रू 5 और 9 पिन ये एनालॉग रूटिंग कार्ड जो है ई स्लॉट उस पे आएगा और यहाँ से 24 वोल्ट का जो सप्लाई है वो एंगल ट्रांसमीटर को जा रही है। तो 412.EA पिन 359 का मतलब क्या है कि 412 जैसे पहले बताया मैंने ये VCU2 का नंबर है, ई मीन्स ई स्लॉट कार्ड, ए मीन्स नेम ऑफ सब डी कनेक्टर, तो इसका मतलब है ये हम इस कनेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, ये जो पहले वाला कनेक्टर है ये ई स्लॉट है, ये ए कनेक्टर आ गया। पिन 359 आर पिन नंबर्स ऑफ सब डी कनेक्टर ए, इस ए कनेक्टर की पिन नंबर 359 की बात हो रही है, जैसे ये 359 पिन पे ये सिग्नल कनेक्ट है एंगल ट्रांसमीटर का। इसी तरह से बाकी और भी सर्किट में ये इसी नोमेनक्लेचर से यूज़ हो रहा है, आगे सर्किट देखेंगे तो उसमें काफ़ी जगह पे ये आएंगे। नेक्स्ट है एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड, ये ई स्लॉट के बिल्कुल साथ वाला कार्ड है एफ स्लॉट, इसमें कोई कनेक्टर अटैच नहीं है, ये
ये देखिए ये ई स्लॉट है, ये तो एनालॉग सिग्नल यहाँ से इनपुट आउटपुट आ गए, और ये एफ स्लॉट है, ये एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू इट्स रूटिंग कार्ड ई स्लॉट, जैसे पहले हमने थ्रू बैक प्लेन, पीछे से ये अटैच है ई स्लॉट के साथ, आगे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्या काम कर रहा है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और उसको स्टोर कर रहा है। सिमिलरली जो डिजिटल सिग्नल यहाँ से ये VCU से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके आउटपुट दे रहा है, जैसे बोगी मीटर को डिफ्लेक्शन करने के लिए जो सिग्नल है वो ये बना के ई स्लॉट को देगा, और वो फिर बोगी मीटर में जाएंगे। तो इसमें टोटल 15 इनपुट चैनल्स रहते हैं। इनपुट चैनल्स हैविंग ए रेंज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट विद 12 बिट रेजोल्यूशन। तो ये एक ये बताया गया कि ये डिजिटल सिग्नल किस तरह से एनालॉग में कन्वर्ट होगा, उसकी रेंज क्या है, -10 वोल्ट से +10 वोल्ट तक वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है जी एंड एस स्लॉट कार्ड्स। ये कार्ड्स प्रोसेसर कार्ड्स हैं जिसमें जी स्लॉट में FLG है और STB दोनों एक ही यूनिट में लगाए गए हैं जी स्लॉट में ही। पहले निकास बेस में क्या होता था कि ये कार्ड्स अलग अलग होते थे, जी स्लॉट में FLG कार्ड रहता था और एन स्लॉट में STB कार्ड रहता था। तो CGLTCN ने क्या किया, जी और एस स्लॉट कार्ड को कंबाइन करके जी स्लॉट में डाल दिया। तो FLG यहाँ पे मेन प्रोसेसर कार्ड है लोको का, वो जितने भी बाकी के प्रोसेसर हैं प्रोसेसर कार्ड हैं उनको कंट्रोल करवाता है और उनकी परफॉर्मेंस पे ये काम करता है। इसके अलावा FLG एंगल ट्रांसमीटर, बोगी मीटर और कैब के साथ कम्युनिकेशन, मल्टीपल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। दो FLG कार्ड होते हैं एक लोको में, FLG1 VCU1 में और FLG2 VCU2 में। FLG1 बाय डिफ़ॉल्ट मेन कार्ड रहता है, मास्टर कार्ड रहता है। FLG2 तब काम में आता है जब FLG1 किसी वजह से डिफेक्टिव हो जाता है। दोनों कार्ड्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, FLG1 में और FLG2 में। STB जो है वो भी एक कंट्रोल कार्ड है, इसके अंदर भी डेडिकेटेड प्रोग्राम रहता है और इस प्रोग्राम के हिसाब से जो भी है ये लोको के प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है। इनपुट जो इस कार्ड पे आएंगी इसके इनपुट आउटपुट कार्ड के थ्रू, तो इसमें STB एक प्रोसेसर है, इसका डायरेक्ट किसी उसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसका लिंक लोको के साथ बना रहा है इसके जो इनपुट आउटपुट कार्ड्स हैं। तो STB के दो इनपुट आउटपुट कार्ड हैं, जे और एल स्लॉट कार्ड हैं, जो ये इनपुट आउटपुट कार्ड हैं STB प्रोसेसर के। यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ये जो दो कार्ड हैं ये STB2 कार्ड के IO कार्ड हैं। ये जो आपका अभी हम बात कर रहे हैं जी स्लॉट कार्ड, तो ये देखिए इसमें आगे की साइड कुछ भी कनेक्ट नहीं है, ये बैक प्लेन के थ्रू VCU के बैक प्लेन के थ्रू इन दोनों कार्ड के साथ ये अटैच है। इसी तरह से STB2 भी दो होते हैं एक लोको में, एक STB1 एक STB2, और दोनों कार्ड्स के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर रहता है। STB कार्ड का क्या फंक्शंस हैं, ड्राइवर कैब के रिलेटेड ये कंट्रोल करता है, एयर ड्रायर कंट्रोल के लिए, कंट्रोल ऑफ रोटरी स्विच, फेलियर मोड ऑपरेशन, सिमुलेशन मोड स्विच, रोटरी स्विच, बोगी कटआउट, इन रोटरी स्विचेस का भी ये कंट्रोल देखता है, ऑक्सिलरी इंटरलॉक ऑफ MCB,
उनकी भी मॉनिटरिंग करवाता है, जो जो थ्री फेज की एमसीबी लगी रहती है उसके लेफ्ट साइड पे ऑक्सिलरी इंटरलॉक लगा रहता है, जो कि एमसीबी के ओपन और क्लोज होने से वो इंटरलॉक जो ओपन क्लोज होता है बाय डिफॉल्ट वो एनसी रहता है। जैसे एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो वो इंटरलॉक ओपन हो जाता है। और इस इंटरलॉक को जो एसटीबी कार्ड है वो अपने आईओ कार्ड के थ्रू, इनपुट कार्ड के थ्रू वो मॉनिटर करता है और मैसेज जनरेट करवाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मॉनिटरिंग ऑफ ओवर स्पीड अलार्म, स्पीडोमीटर फेलर अलार्म, ये जो अलार्म जनरेट होंगे ये भी यही कार्ड मॉनिटर करता है, एसटीबी थ्रू इनपुट आउटपुट कार्ड। मॉनिटरिंग ऑफ बर अर्थ फॉल्ट रिले, मॉनिटरिंग ऑफ फायर अलार्म एंड वीसीडी बजर। तो ये जो सारे कंट्रोल हैं, जो इसके फंक्शन हैं, ये डायरेक्टली कुछ नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो इसके इनपुट कार्ड के स्टेटस को रीड करके उस सॉफ्टवेयर को ये प्रोसेस करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एस स्लॉट कार्ड। एस स्लॉट कार्ड भी दो कार्ड को मिला के बनाया गया है, HBB और DDA। ये भी एक सिंगल बोर्ड है, तो इसमें भी डेडिकेटेड प्रोसेसर कार्ड्स हैं, डेडिकेटेड प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें। जिस तरह से STB कार्ड के दो IO कार्ड थे, इसी तरह से HBB प्रोसेसर के दो IO कार्ड हैं, O और Q स्लॉट, ओ और क्यू स्लॉट। और ये वो कार्ड है जिसकी अभी बात कर रहे हैं हम, एस स्लॉट में, HBB प्लस DDA। तो ये भी कार्ड जो है ये बैक प्लेन के थ्रू इन IO कार्ड के साथ आपस में अटैच है। जो भी इस पे इनपुट आएगी वो बैक प्लेन के थ्रू प्रोसेस यहाँ पे चली जाएगी HBB के सॉफ्टवेयर के पास। HBB कार्ड क्या परफॉर्म करता है? सेम ड्राइवर कैब कंट्रोल इसके पास है, मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सिलरी इंटरलॉक। कुछ जो MCB हैं वो STB के पास हैं, कुछ MCB की इंटरलॉकिंग मॉनिटरिंग HBB के पास है। उसके बाद फ्यूज़ और अर्थ फॉल्ट रिले, 415 110 वोल्ट सर्किट जो अभी हमने पहले पढ़ा है, उसका जो फ्यूज़ की ओपनिंग है और जो अर्थ फॉल्ट रिले हैं उसको भी ये मॉनिटर करता है। कंट्रोलिंग ऑफ पार्किंग ब्रेक्स, रीजनरेटिव ब्रेक्स, पेंटोग्राफ कंट्रोल इसके पास है, VCD कंट्रोल इसके पास है। मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस प्रेशर स्विचेस, न्यूमेटिक पैनल पे जो प्रेशर स्विचेस लगे हुए हैं उनकी भी मॉनिटरिंग ये करता है। और जो DDA प्रोसेसर है इसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल है जो ड्राइवर डेस्क पे डिस्प्ले आती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है DDA। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है LJO और Q स्लॉट कार्ड्स। तो ये डिजिटल इनपुट आउटपुट कार्ड्स हैं, इसमें डिस्क्रीट 0 या 1 लेवल की वैल्यू रहेगी, मतलब 0 तो 0 वोल्ट, 1 मतलब 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, जिस पे भी बैटरी और जितनी बैटरी की वोल्टेज होगी। तो हाई मीन्स पॉजिटिव वोल्ट, या आप कह सकते हैं ऑन। लो मीन्स 0 वोल्ट या 0 वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑफ। तो हर एक कार्ड की डिफरेंट इनपुट और आउटपुट चैनल्स हैं। वो जो कनेक्टर हम पढ़ रहे थे कि ई ए, वो जो देखे हैं सब डी कनेक्टर, बेसिकली उनके वही चैनल्स हैं ये, उन्हीं कनेक्टर के थ्रू ये इनपुट आउटपुट चैनल पे सिग्नल आते जाते हैं। जे एंड एल जो है वो STB1 और STB2 प्रोसेसर कार्ड के IO कार्ड हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। सो इन IO कार्ड के हाई लो सिग्नल स्टेटस पे डिपेंड करके ये जो कार्ड्स हैं STB और HBB, वो उन सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू जो प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ है पहले से। वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं और प्रोग्राम के हिसाब से वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है, जो लोकोमोटिव के अलग अलग जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कराने के लिए। तो ये जो बात कर रहे थे हम, ये 15 पिन के सब डी कनेक्टर हैं मैक्सिमम, और ये एक जो है यहाँ पे लगा रहता है वो 25 पिन का है, जो जी कनेक्टर रहेगा।
कनेक्टर के नाम इस तरह से रखे हैं इन्होंने। वैसे ये मान लीजिए ये मेरा एल स्लॉट आईओ कार्ड है, तो इसका ये जो कनेक्टर है ये ए है, तो इसका नाम क्या होगा, एल ए। नेक्स्ट जो है वो एल सी होएगा, क्योंकि ये देखिए ये सी से शुरू हो रहा है, तो ये एल सी होगा, सॉरी नॉट एल सी, एल डी रहेगा ये। और ये फिर हो जाएगा एल जी, इस तरह से इसकी नेमिंग है। तो ये देखिए फिर एक वीसीयू में दो ये दो आईओ कार्ड एसटीबी के और दो एचबीबी के, तो चार टोटल आईओ कार्ड हो गए इसमें। ये जो इनपुट आउटपुट चैनल्स की बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कनेक्टर में इनपुट है और दूसरे में आउटपुट है, एक ही कनेक्टर में इनपुट भी चैनल है और आउटपुट भी चैनल के। स्लॉट में कोई गार्ड नहीं रहता, इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जो वीसीयू के अंदर जो कार्ड की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको मॉनिटर करता है। तो वैसे तो इसके नीचे फैन लगा रहता है जो इसको कूलिंग करता रहता है, लेकिन मान लीजिए कोई फैन कभी ख़राब हो गया तो इसमें फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर वो 70 डिग्री से नीचे है तो ये कोई मैसेज जनरेट नहीं करेगा, 70 डिग्री है तो एक मैसेज जनरेट हो जाएगा ओवर टेम्परेचर का। और LSCE इंडिकेशन है जो ए पैनल पे कैब में, वो ग्लो करने लगेगी। टी स्लॉट कार्ड बस MBB एडमिनिस्ट्रेटर है, तो MBB जैसे हम पहले बता चुके हैं कि मल्टीपल व्हीकल बस या मल्टी फंक्शनल व्हीकल बस, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है ये वाला कार्ड। जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स में इस MBB लोकल बस या रिमोट बस पे, तो वो ये कार्ड देखता है। वी स्लॉट कार्ड MBB कपलर, ये वो वाला है जिसपे फाइबर ऑप्टिक लगी हुई, ये जो है वी स्लॉट, ये MBB कपलर भी बोलते हैं इसको। तो ये भी मल्टी फंक्शनल व्हीकल बस, डाटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग टू डिफरेंट मीडियंस। तो इसमें दो तरह की बस, जैसे यहाँ पे भी बोल के गया को MBB लोकल बस और रिमोट बस। तो लोकल बस क्या है, लोकल बस वो बस है जो VCU के बैक प्लेन में लगी हुई है, आपस में जो VCU के अंदर जितने कार्ड लगे हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो इस बस के थ्रू कर रहे हैं लोकल बस। और जो फाइबर ऑप्टिक वाली केबल हैं जो बाकी इक्विपमेंट के पास जा रही हैं, जैसे बर के पास या SR के पास, तो वो उस बस को MBB रिमोट बस बोलते हैं, क्योंकि वो VCU के बाहर है। तो इसमें देखिए चैनल 1 और 2 जो है इस कार्ड में वो रिडंडेंट है, टोटल इसमें 5 चैनल्स रहते हैं। ये दो जो फाइबर ऑप्टिक ये यहाँ दिख रहे हैं कपलर, वो कनेक्टर जो, ये एक चैनल हो गया, ये दूसरा चैनल, ये तीसरा चैनल, ये चौथा चैनल और ये पांचवा चैनल, ये VCU 1 है, इसमें सारे चैनल इंगेज हैं। और ये VCU 2 में पांचवा चैनल जो है वो स्पेयर है। तो इसमें VCU चैनल 1 जो है, चैनल 1 और 2 है वो रिडंडेंट है, जैसे वो क्या है, दोनों VCU को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे हम पहले ब्लॉक डायग्राम में देखा है कि ये दोनों चैनल, एक चैनल इसमें रिडंडेंट है, अगर एक ख़राब हो जाएगा तो दूसरा उसका ओवरटेक कर लेगा। इन बोथ VCU फर्स्ट 2 चैनल्स आर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन देमसेल्फ, दोनों VCU का आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। थर्ड चैनल है जो VCU 1 में, वो SR के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। VCU 1 की बात करें तो ये जो थर्ड चैनल है ये SR 1 के लिए जा रहा है, क्योंकि ये VCU 1 से है। और जो नेक्स्ट चैनल है फोर्थ चैनल, वो BR 1 को जा रहा है, BR 1 के साथ कम्युनिकेशन के लिए। और जो थर्ड है वो BR 3 के लिए। इसी तरह से VCU 2 में थर्ड चैनल है वो SR 2 के पास जा रहा है, ये VCU 2 है, ये थर्ड चैनल जो ये वाला E और F, ये है
SR2 के साथ कम्युनिकेशन के लिए, और ये जी और एच है ये फोर्थ चैनल, ये BUR2 के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए, BUR2 के साथ जो VCU2 कम्युनिकेशन कर रहा है वो इसके थ्रू है, और ये फिफ्थ चैनल है वो स्पेयर है। ये मिकास और TCN VCU में जो डिफरेंसेस हैं वो है, पावर सप्लाई कार्ड इसमें भी है और इसमें भी है, सिमिलैरिटी और जो कंपैरिजन है। सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड इसमें था ARB 705 बोलते थे, इसको एनालॉग रूटिंग कार्ड बोलते हैं। एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड 514, इसको एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड बोलते हैं। इधर बाइनरी इनपुट आउटपुट कार्ड UAB 512 था, ये सेम कार्ड यूज़ हो रहा है, ये भी और ये भी। बस कपलर 660, इसमें MBB कपलर बोल देते हैं, इसको UFC कार्ड बोल देते हैं। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, उसमें क्या था, STB, HBB, FLG और DDA अलग अलग कार्ड थे, तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसर कार्ड बोल देते हैं 102। बस एडमिनिस्ट्रेटर को इधर एडमिन कार्ड बोल देते हैं। टेम्परेचर सेंसर कार्ड उस वैसे का वैसे ही है। ARC मल्टीप्लायर कार्ड, ये इधर मल्टीप्लायर कार्ड, ये W स्लॉट में रहता है यहाँ पे, ये जो है W स्लॉट, ये बेसिकली जो हमारा ये लगा हुआ है ARC की डिस्प्ले लगी हुई है कैब में, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, उसमें जितने भी प्रोसेस वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं उसके लिए ये यूज़ हो रहा है। अभी ये हमने CGL का TCN बेस्ड VCU पढ़ा था, ये BT का इस तरह से दिखता है, बिल्कुल डिफरेंट है इससे। इसमें ये TCN गेटवे कार्ड है VCU1 में, और ये जो IO कार्ड पे कनेक्टर आ रहे थे या जो ई स्लॉट पे आ रहे थे ये इस तरह से इसमें है, और इंटरनली ये अंदर इस तरह से दिखेगा VCU, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो है ये IO कार्ड है, इसको MIUDX भी बोलते हैं PT की लैंग्वेज में। तो जितने भी इनपुट आउटपुट हैं जो ये इन कपलर्स के थ्रू यहाँ पे पहुँच रहे हैं अंदर, और ये जो है ये MX मॉड्यूल है, सॉरी AX मॉड्यूल, एनालॉग सिग्नल्स जो आएंगे एंगल ट्रांसमीटर से या जो ई स्लॉट पे आते थे वो इस कार्ड पे आएंगे। ये TCN VCU2 है, इसमें ये गेटवे जो TCN गेटवे कार्ड है वो इसमें एब्सेंट है। TCN गेटवे कार्ड बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटरी कार्ड है जो सारी एक एज ए गेटवे काम कर रहा है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है BT प्रोपल्शन में वो ये कार्ड है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है BT के प्रोपल्शन में ये कार्ड वो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो इसको डीप में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें IO कार्ड ही है मेनली, बाकी जो प्रोसेसर कार्ड हैं वो SR के अंदर ही लगे हुए हैं, CCUO कार्ड के अंदर ही सब सॉफ्टवेयर है। ये मिकास बेस्ड VCU है, अभी भी हमारे कई लोकोज में ये यूज़ होता है। तो इसमें भी देखिए जैसे ये VCU2 है, ए स्लॉट से लेके जेड तक इसमें कार्ड्स हैं। ये पावर सप्लाई कार्ड सेम AB और CD स्लॉट में लगा हुआ है, ई स्लॉट में सेम वही कार्ड है, एफ स्लॉट में एनालॉग कार्ड है, जी स्लॉट में FLG है। अब इसमें सिर्फ FLG ही है क्योंकि STB जो है ये N स्लॉट में है, ये मिकास बेस्ड है, बाकी HI स्लॉट वहाँ पे खाली था, स्पेयर था, और यहाँ पे ये DDA कार्ड लगा हुआ है इसमें, जो DDA कार्ड उधर एस स्लॉट में था। एस स्लॉट में यहाँ पे सिर्फ HBB2 कार्ड है, बाकी जो IO कार्ड की लोकेशन है वो वैसी की वैसी है, J और L, STB का कार्ड STB के IO हैं, और O और Q स्लॉट HBB के IO कार्ड हैं। T स्लॉट में यहाँ पे बस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको FBB कार्ड भी बोलते थे मिकास में। यू स्लॉट ये डाया कार्ड है, ये सिर्फ VCU2 में रहता है, VCU1 में
ये कार्ड नहीं रहता। ये देखिए यहाँ पे स्पेयर है VCU1 में, VCU2 में डाया कार्ड है, ये डायग्नोस्टिक कार्ड ही बोलते हैं। इसमें जितना भी DDS जनरेट होता है इस कार्ड में रिकॉर्ड होता है निकास वाले केस में। ये 20 स्लॉट जो है ये MBB कार्ड है जो कि उधर W स्लॉट में था ARC डिस्प्ले के लिए, ये मिकास में बी पे रहता है। और ये जो OFC कार्ड था उधर बस MBB कपलर, वो यहाँ पे W में है। तो ये इनकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हुई है मिकास और TCN CGL में, ठीक है। ये W स्लॉट वही जो फाइबर ऑप्टिक कार्ड है।